विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की तुलना बिच्छू से करते हुए कहा, जिस तरह गांव में बिच्छू के डंक काट देते हैं, उसी तरह सरकार ने जनपद सदस्य, सरपंच, जनपद अध्यक्षों के डंक काट दिए हैं। जो सरकार जनता के चुने हुए सरपंचों को, जिला पंचायत सदस्यों, जनपदों के अधिकार छीन ले, उनको गांव में जैसे बिच्छू रहता नहीं उसका डंक काट देते हैं तो बच्चे हाथ पर रखे फिरते हैं। जनपद पंचायत उनको सबको पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के डंक काट लिए, कोई पावर लेस कर दिया, सब अधिकार छीन लिए, तो अब कैसे हम विश्वास करें कि मुख्यमंत्री पेशा एक्ट के तहत कानून जो बना के लागू कर रहे हैं आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ये केवल चुनाव तक के लिए गुमराह करने का षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव जबलपुर पहुंचे, जहां उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर कहा कि लगातार नवाचार किया जा रहा है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नए कॉलेज खोले गए हैं, जिसमें मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 400 करोड़ रुपए दिया गया। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति लागू करने, योग स्पोर्ट्स छात्रों की व्यावहारिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा नीति को बेहतर बनाने का कार्य किया गया है, जो पहले नहीं होता था। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि अच्छी बात है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये कांग्रेस के लिए जरूरी है, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी का धीरे धीरे विलय हो रहा है, इसलिए कांग्रेस को अपनी गलतियों को आत्मसात करने की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी एवं कांग्रेस को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है, पार्टी में सुधार हो सके। नवाचार तो लगातार कर रहे हैं हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग ने, जितने अपने नए कॉलेज खोले हैं इनमें मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 400 करोड़ रुपया अभी तक हम दे चुके हैं। लगभग 2.5 साल में हमने 2500 करोड़ रुपया दिया है, अर्थात पैसा देने से पर्याप्त नहीं है, लेकिन पैसे के अलावा भी जो मूल सुविधाएँ हैं प्राध्यापकों के दृष्टि से, अन्य कोर्स खोलने की दृष्टि से, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, योग, खेल, स्पोर्ट्स का हिस्सा, NCC, NSCS ये कोर्स का हिस्सा बने, ये सपना ही लगता था, लेकिन आज ये हो रहा है। इसी के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा विद्यार्थियों को दे रहे हैं, जिसके बलबूते पर वो अपनी शिक्षा पूरी करते ही स्वयं का रोजगार करें या कोई अपनी सर्विस में जाए। तो हमने प्रशासनिक अकादमी के माध्यम से बच्चों की तैयारियाँ करवाई है। इसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद करियर योजना के माध्यम से भी हम प्लेसमेंट करवा रहे हैं लगातार। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर, देखिए ये अच्छी बात है कि कांग्रेस हमारी एक लगभग 125 साल पुरानी पार्टी है, अपोजिशन का उनका जो व्यवहार रहा है राहुल जी का और उनके पूर्ववर्ती का, लगातार उनकी एक के बाद एक कई सरकार हाथ से चली गई, तो वो आत्मावलोकन करे, पुनरावलोकन करे और अपनी गलतियों को समझे, अपने अंदर नया नेतृत्व तो खड़ा करे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस बजाय अंदर देखने के वो बाहर देख रही, इससे बात बनेगी नहीं। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौका है, तो हमारी तरफ से के बजाय सामने की तरफ से 80 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, तो जब एक देश का सबसे युवा देश भारत है, ऐसे में अगर वो युवाओं पे